नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग संविधान के अपने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रस्तावना से एक से दो प्रश्न आपका पूछा जाता है। हम आपके सामने उसका निचोड़ 15 से 20 प्रश्न ऐसे लाए हैं जो बार बार पूछा जाता है, उसी को आपके सामने ला दिए हैं। और इससे बाहर प्रस्तावना से प्रश्न आपका नहीं पूछा जाएगा। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में रिजल्ट आपका इसी चैनल से होगा। क्योंकि इस चैनल पर कोई भी चीज़ टॉपिक वाइज पढ़ाया जाता है। हमने मैथ को कंप्लीट कर चुका है, उसमें 2 से 3 चैप्टर बाकी है, उसको बहुत जल्द कभी सुबह हमें कंप्लीट करा देंगे। और 2 से 4 दिन बाद सुबह हमें आपका साइंस चालू करने वाले हैं। अभी साइंस इसलिए चालू नहीं कर रहे हैं कि मेरे चैनल के बहुत से लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी डिलीट करवा रहे हैं तो कभी स्ट्राइक मरवा रहे हैं, कुछ कुछ क्यों कर रहे हैं। छोटे यूट्यूबर हैं, अगर आप लोग अच्छे से साथ नहीं दीजिएगा तो ये चैनल आपके सामने से ख़त्म भी हो जाएगा। इसलिए जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा कि अगर चैनल पर कुछ हुआ तो वहाँ से आप मेरे से कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक हम कमेंट में डाल चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में है, दोनों जगह से जाकर वहाँ फॉलो कर लेना है, वीडियो को शेयर कर लेना है। और बहुत से लोग का प्रश्न ये है कि सर बिहार पुलिस में प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक ले। देखिए, किरण पब्लिकेशन का बिहार पुलिस के प्रैक्टिस के लिए आप इस बुक को ले सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस का बुक का अर्थ ये होता है कि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, और इस बुक पर 10th लेवल के पैटर्न को फॉलो किया गया है, इसलिए ये बुक अच्छा है। चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन फेसबुक पेज जरूर जुड़ जाइएगा क्योंकि चैनल को ज़्यादा डिस्टर्ब किया जा रहा है। हम इसको सही करके जल्द साइंस चालू आपका सुबह में करने वाले हैं। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम लोग संविधान के बारे में भाग पढ़ चुके हैं, अनुसूची पढ़ चुके हैं उसका, ठीक, और जो जो चीज़ है राज्यपाल के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में जो जो चीज़ है पढ़ चुके हैं, सब वीडियो प्लेलिस्ट में है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान का जान है, प्राण है, जो बोलिए वो है, क्योंकि प्रस्तावना के द्वारा ही हम लोग को पहचान होती है। अब देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है कि संविधान की आत्मा, संविधान के आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ये बात किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि संविधान की जो आत्मा है वो प्रस्तावना है। कहाँ की संविधान, भारत के संविधान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का जो परिचय है, जैसे आपका परिचय किससे होता है, आपके पिताजी से होता है, आपके माताजी से होता है, ठीक उसी तरह से संविधान का परिचय प्रस्तावना से होता है। आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि प्रस्तावना का, प्रस्तावना से क्या चीज़ का परिचय होता है, भारत का नहीं, संविधान का परिचय होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। उसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, और उस समय प्रस्तावना में संशोधन करके 3 शब्द जोड़ा जाता है। आप आजकल खूब सुनते होते हैं कि हम समाजवादी हैं, समाजवादी शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को और अखंडता शब्द को, और ये सब कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। पूछा जाएगा रूस से क्या लिया गया, 42वां संविधान संशोधन लिया गया, इसमें 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अगला क्वेश्चन क्या है कि हम भारत के लोग ये जो शब्द है ये कहाँ पर है। भाई प्रस्तावना में, प्रस्तावना की शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंड राज बनाने हेतु, ऐसा ही मेरे संविधान के प्रस्तावना की शुरुआत होती है। एक दो बार आप प्रस्तावना को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक दो नंबर पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार लिया गया वो यूएसए लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही चीज होता है। अगला क्वेश्चन है, उद्देशिका के जो भाषा है उसमें जिस भाषा का यूज किया गया वो भाषा मेरा कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना में संशोधन अब तक कितने बार हुआ है, तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन अभी तक एक बार हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसमें 3 शब्द समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया।
अगला है कि प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम भारत के लोग से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा लाया गया। अगला है कि लघु संविधान किसे कहा जाता है, आपसे पूछेगा तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में होता है जिसमें 3 शब्द जोड़ा जाता है उसे ही हमें लघु संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम भारत के लोग से क्या प्रदर्शित होता है, संप्रभु शक्ति, इसे ये साबित होता है कि भारत में जो कुछ भी है भारत की जनता है, भारत की शक्ति क्या है, भारत की जनता है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उद्देशिका में न्याय का प्रकार, समाज में संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात किया गया। पहला क्या, सामाजिक न्याय होनी चाहिए सबके साथ, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक, समाज में किसी के साथ भेदभाव नहीं, पैसा कौड़ी में सबको लेवल में लाना चाहिए, राजनीतिक में सबको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, यही संविधान के उद्देश्य में न्याय का प्रावधान है। कितना, 3। देखिए जिस तरीका से हम पढ़ा रहे हैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतने कम समय में इतना अच्छा कंटेंट हम खुद अपने जीवन में पढ़े हैं तो नहीं मिला है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो कठिनाइयाँ हमें हुई है वो कठिनाइयाँ आपको नहीं होना चाहिए, कम समय में अच्छा कंटेंट मिल जाना चाहिए। अगला है कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का प्रकार, कितने प्रकार है, 5 है। पहला है विचार के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, विश्वास के लिए, धर्म के लिए, उपासना के लिए। मेरे प्रस्तावना में 5 प्रकार का स्वतंत्रता का बात किया जाएगा जो 500 लिखा गया है। संविधान निर्माता विशेष ध्यान किस पर दिए, प्रस्तावना पर, प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया गया। संविधान निर्माता कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो एक दलित परिवार से आते हुए भी ऐसा काम कर गया दुनिया में कि सारी दुनिया उसकी आज दीवानी है। अगला है कि संविधान में राष्ट्र का उल्लेख किस तरह से किया गया है, कि भारत अपने देश को किस तरह से किया गया है। भारत का 2 नाम रखा गया है, भारत तथा इंडिया। संविधान में राष्ट्र का, जो मेरे राष्ट्र का उल्लेख है वो 2 शब्दों से किया जाता है, भारत तथा इंडिया। अगला है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सत्ता किसके पास है, जनता के पास है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन कौन कर सकता है, जनता कर सकता है। एकदम इस तरीका से पढ़िए, आपका रिजल्ट पक्का है। जिस दिन 2 से 3 क्लास लेना चालू कर दिए मेरे भाई, आपका स्कोर ऐसा स्पीड में भागेगा आप सोच नहीं सकते। थोड़ा सा मेरा चैनल ठीक हो जाने दीजिए, थोड़ा हमको सपोर्ट कर दीजिए, बहुत तेज़ी से आपका स्कोर भागेगा। अगला है कि संविधान की उद्देशिका का परिवर्तित रूप प्रस्तावना ही है जो नेहरू के द्वारा लाया गया। प्रस्तावना और उद्देशिका दोनों एक ही चीज होता है। अगला है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज कौन वर्णित करता है, प्रस्तावना वर्णित करता है क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज है। अगला है संविधान दिवस, कभी भी 26 जनवरी मत मरना, सबसे ज़्यादा गलती होता है कि संविधान दिवस कब है, तो 26 नवंबर 1949 को मेरे देश का अधिकांश संविधान लागू हो गया था, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। जितने लोग देखे हैं एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और जल्द से जल्द इस चैनल को बड़ा कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए कि हम जल्दी से 2 से 3 क्लास पर वापसी आकर आपका रिजल्ट पक्का कराएं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसे एक बार नोट्स बना लीजिएगा, ऐसे ही पढ़िए। रिजल्ट किसी के बाप के बस की नहीं है कि आपका रिजल्ट रोक सके। आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी तरह का प्रश्न है तो लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए।